सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। इन इलाकों में बारिश का कहर, गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिला। बादल फटने से बाढ़ में जूनागढ़ का इलाका डूब गया तो तेज धार में मवेशी बह गए। आसमानी आफत गुजरात में कम नहीं बरसी। सोमनाथ के मेघपुर गांव में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई है। छिंदवाड़ा में बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मचागोरा डैम का एक गेट खोलना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पानी मुसीबत की कहानी लिख रहा है। बिजनौर में रोडवेज की बस में सवार 40 लोगों की जान पर बनाई। बहराइच से हरिद्वार जा रही एक बस बिजनौर में पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस मजदार में ऐसी फंसी कि यात्रियों में त्राहिमाम मच गया। फिर आनन-फानन में क्रेन बुलाई गई। जेसीबी मशीन के जरिए बस में फंसे यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला गया। पंजाब के कई हिस्सों में जबरदस्त जलभराव है। अमृतसर में भारी बारिश के बाद दरबार साहिब जाने का रास्ता लबालब भर गया है। इससे श्रद्धालुओं की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति खराब है। भारी बारिश ने शिमला जिले के रोहडू इलाके का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों को रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को आना पड़ गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी से गुजरात तक पानी का प्रहार, महाराष्ट्र में रेस्क्यू में जुटी एयरफोर्स। जानिए मौसम का ताजा अपडेट। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। लोगों को भारी बारिश से नुकसान उठाना पड़ा। मैदानी इलाकों को लेकर पहाड़ी इलाकों तक इसका कहर देखने को मिला है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक के राज्य मानसून की बारिश ने तबाही का मंजर दिखाया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बारिश से राहत मिली, लेकिन उमस भरी मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 33 से ऊपर और 38 डिग्री से नीचे और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से कम लेकिन 25 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। इन इलाकों में बारिश की संभावना। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के कोकण घाट क्षेत्रों में अलग अलग अत्यधिक वर्षा गतिविधि जारी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के शेष हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश जारी रहने वाली। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।